नमस्कार दोस्तों, आज मैथ का टॉपिक रहेगा अपना पॉलीगन यानी कि बहुभुज। मैं मंजीत मोहन उड़ान कैंपस बरवाड़ा से आप सभी का मोस्ट वेलकम, दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीगन है, इसकी कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। पहले मैं बता देता हूं पॉलीगन बोलते किसको हैं। बहुभुज, बहु माने हो गया बहुत, और भुज माने हो गया भुजाएँ, ठीक है। पॉलीगन मतलब हो गया जहाँ दो से चीज़ें एक्सटेंड कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, दो से ज़्यादा हो जाती है। गोन एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है एंगल, यानी कि दो से ज़्यादा जहाँ एंगल्स होते हैं। याद रहे, आप जो भी आकृति लेते हैं खास करके टू डायमेंशन में, जितने आपके पास में कोणों की संख्या होती है ठीक उतनी ही भुजाओं की संख्या होती है। तो अगर आप कोई आकृति जानते हैं त्रिभुज के नाम से, मतलब हुआ तीन भुजाएँ, तो उसके पास में कोणों की संख्या भी तीन रहेगी। एक चतुर्भुज है जिसके पास में भुजाएं चार हो जाती हैं, तो अगर आप काउंट करेंगे तो उसके अंदर कोणों की संख्या भी चार रहेगी। पंचभुज भुजाएं पांच, तो कोणों की संख्या भी पांच। बहुभुज का मतलब हो गया जहां दो से बहुत भुजाएं हो जाती है, यानी कि भुजाओं की संख्या तीन हो, या भुजाओं की संख्या चार हो, या भुजाओं की संख्या पाँच हो, ठीक है। जैसे तीन भुजाओं में हम ले लेते हैं ट्रायंगल, और चार भुजाओं में वर्ग आता है, आयत आता है, समांतर चतुर्भुज आता है, ठीक है, ये सब आकृतियाँ आती हैं। पंचभुज में जिसको हम क्या बोलते हैं, पांच भुजाओं वाली कोई भी एक आकृति आ जाती है। छह भुजाएं भी हो सकती हैं, सात भी हो सकती हैं। हम कुछ ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं जो कितनी भी भुजाओं से बनी हुई बहुभुजाकार आकृति हो सभी के ऊपर लग जाए। तो उनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, ये जितने भी बहुभुज होंगे सारे के सारे टू डायमेंशनल होंगे, यानी कि द्विआयामी होंगे। अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए कि कुल कितने आयाम होते हैं, तो तीन आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। एक आयाम है जिसको हम गहराई के नाम से जानते हैं, डेप्थ, तो यकीन करें वो कोई नया आयाम नहीं है, बल्कि वो थर्ड आयाम ही है एक तरीके से, तीसरा आयाम। हम कमरे में नीचे खड़े हैं तो कह सकते हैं कि ये कमरे की ऊंचाई है, पर ऊपर खड़े होकर के कह सकते हैं कि गहराई, तो वही डायमेंशन रिपीट हो गया। यानी कि टोटल तीन डायमेंशन होते हैं, पर बहुभुज कितने डायमेंशन में रहते हैं, दो डायमेंशन में रहते हैं, लंबाई और चौड़ाई होती है इनके पास में। ये इनकी पहली प्रॉपर्टी होगी। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि डायमेंशन कैसे काम करते हैं, तो मनुष्य की जो आँख होती है, ऐसा माना जाता है कि एक समय पर केवल दो ही डायमेंशन में देख सकती है। अगर आप किसी गाड़ी को देख रहे हैं, उसके पास में तीनों चीज़ें होंगी, पर एक बार में आपकी आंख केवल दो ही डायमेंशन को कवर कर पाती है। एक मूवी में आपको बता देता हूं, अगर आप थोड़ा सा शौकीन है मूवी के, तो इंटरस्टेलर एक मूवी है जिसके अंदर ये बात आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है कि डायमेंशन तीन नहीं होते, दस होते हैं, और कोई व्यक्ति ना जन्म लेता है ना कोई मरता है, बस वो इन तीन डायमेंशन से मर करके दूसरे डायमेंशन में घुस जाता है। जबरदस्त मूवी है, देखते देखते दिमाग आपका चकरा जाएगा दस दस डायमेंशन इकट्ठे देखने के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है, जैसे ये एक तीन भुजाओं की आकृति है, इसके पास में तीन भुजाएं हैं, एक, दो और तीन, तो इसके पास में अंतःकोणों की संख्या कितनी हुई, ये एक, ये दो और ये तीन। इंटरनल एंगल कितने हुए, वन, टू, थ्री। मैं अगर आपसे कहूं कि इसके तीनों कोणों का योग क्या होगा, आंतरिक तीनों कोणों का योग, आपका जवाब होगा जी 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, सही है जवाब। इसके पास में कितने कोण हुए, अंतःकोणों की संख्या चार हो गई, वन, टू, थ्री, फोर हो गई, ठीक है। ये कोई भी चार भुजाओं वाली आकृति है, जरूरी नहीं कि वर्ग या आयत ही हो, समांतर चतुर्भुज भी हो सकती। तो इसके लिए चारों कोणों का योग कितना रहता है, आपका जवाब होगा 360 डिग्री, पर वो रटी रिटाई बात होंगी, पर आपका जवाब सही है। पर मैं पांच भुजाएं लेकर के बैठ जाता हूं कि एक, दो, तीन, चार और पांच भुजाएं थी इसके पास में, तो पांच अंतःकोण बने। अब इन पांचों कोणों का योग क्या बनेगा, शायद आपके पास जवाब ना हो। अगर छः भुजाएं हो, 20 भुजाएं हो जाए, तो आंतरिक कोणों का योग कैसे बनेगा, उसके लिए एक फार्मूला काम करता है, n नेगेटिव 2 इंटू में पाई, जहां पाई का मान बराबर होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री के, ठीक है। और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स कहें या नंबर ऑफ इंटरनल एंगल्स कहें, भुजाओं की संख्या या आंतरिक कोणों की संख्या, क्योंकि दोनों बातें परस्पर समान होती, भुजाएं तीन, आंतरिक कोण तीन, भुजाएं चार, आंतरिक कोण चार, तो आप n को जो मर्जी कहें, वैल्यू तो उसकी सेम निकल करके आएगी। यानी कि n है आंतरिक कोणों की या भुजाओं की संख्या, में से दो घटा दें, गुणा लगा दें पाई के साथ, और पाई जो यूज करना है हमने वो कौन सा है, ज्योमेट्रिक पाई, जिसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। मैं यहां आपको ये बात इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, इसका आपको ऑलरेडी पता है कि 180 डिग्री आंसर आएगा। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसके पास में कोणों की संख्या कितनी हो गई, तीन, इस फार्मूले से n की वैल्यू दो, n की वैल्यू तीन, सॉरी तीन में से दो गया बचा एक, गुणा में पाई, पाई की वैल्यू 180, एक गुणा में 180, 180 डिग्री, सही है का। दूसरा, यहाँ भुजाओं की संख्या चार थी,
तो आंतरिक कोणों का योग हमें ऑलरेडी पता है, फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। एन की वैल्यू कितनी हुई, चार हो गई इसके लिए, में से दो गया दो गुणा में पाई, पाई की वैल्यू 180, दो गुणा में 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए पांच भुजाएं अगर होती तो आंतरिक कोणों का योग कितना निकल करके आता, एन की वैल्यू पाँच हो गई, पाँच में से दो घटता बसता तीन, तीन गुणा में 180 और क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता 18 3 54 और 10 एच इट इज 540 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है काम। कितनी भी भुजाएं दी जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उन भुजाओं की संख्या में से दो घटाएंगे गुणा में 180 लगा देंगे। ठीक है। जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक बहुभुज है जिसके अंदर 102 भुजाएं हैं, 102 साइड्स हैं, उनके सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, तो n की वैल्यू 102 हो गई, 102 में से दो नेगेटिव करेंगे तो कितना बच जाएगा 100, यहाँ पहुँच के गुणा में पाई, पाई की वैल्यू 180 गुणा में कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 18 के आगे 30 लग जाएंगी, यानी कि 18000 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अब क्लियर होगी। जरूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाए कि भुजाओं की संख्या देकर के आपसे आंतरिक कोणों का योग पूछा जाए, नहीं, हो सकता है आपको कोणों का योग ऑलरेडी दिया जाए, आपसे भुजाओं की संख्या मांगी जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो उसको भी रिलेट करवाने के लिए आप हिट एंड ट्रायल अप्लाई करें, ये फार्मूला 3-4 दफ़ा अप्लाई करके देखेंगे, दूसरे तीसरे पर जवाब मिल गया सही है, नहीं चौथे पर मिल ही जाएगा। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अच्छा, ये क्या था, आंतरिक कोणों का योग यानी कि इंटरनल एंगल्स का सम, इंटरनल एंगल्स का योग था ये। ठीक है, चलिए अगली बात पर दौड़ते हैं। ये तो हुए अंतः कोण, एक होते हैं बाह्य कोण भी, ये बहुत आसान बात है, बाह्य कोणों का योग निकालना किसी भी बहुभुज के लिए रटी रटाई बात होती है एक तरीके से, यानी कि एक्सटर्नल एंगल्स। आप एक एग्जांपल से इस बात को समझें, जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है का, इसके तीनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, अंदर वालों का 180 180 डिग्री होना चाहिए, पर हमें एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो यहाँ बनने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं और मैं कहूं कि इसका मान यहां से यहां तक का मान 20 डिग्री है, ठीक है, तो इसका मान अब कितना निकल कर के आएगा, 180 में से घट जाएगा और ये कितना बच जाएगा, 160 डिग्री बच जाएगा। या आप इसी शब्द इसी बात प्रॉपर्टी को आप यूं भी पढ़ लेते हैं कि दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है वो एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, यानी कि 20 और 160 एक दूसरे के संपूरक कोण है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स है। एंगल पर अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ देखेंगे बहुत तरह के एंगल्स होते हैं, वहाँ डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से सभी को पता थी। देखो आप, मैंने मान लिया कि ये जो कोण था ये था 60 डिग्री का, फिर मैंने कहा कि ये जो कोण है ये है 100 डिग्री का। अब पहली बात तो ये तीसरा कोण कितने का होना चाहिए, तीनों का जोड़ 180 बैठना चाहिए, 160 तो यही होगा, कितना और हो सकता है, ये 20 डिग्री और हो सकता है। पर ये तो अंतः कोण हुए, अब हम बाह्य कोण देख रहे हैं, तो बाह्य कोण कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इस रेखा को मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, इसको मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया और इसको मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो कोण बना है ये बाह्य कोण है, ये जो कोण बना है एक बाह्य कोण है, ये जो एक कोण बना है ये एक बाह्य कोण है। ये टोटल कितना होना चाहिए, 180 में से कितना निकल गया 60, तो ये बाह्य कोण कितने का हुआ, 120 डिग्री का हो गया। यहाँ से 100 हुआ और ये टोटल 180, तो ये कितने का बच गया, 80 का बच गया। यहाँ से ये 20 हुआ तो ये कितने का बच गया, 160 डिग्री का बच गया। क्लियर है बात। तो बाह्य कोणों का जोड़ कितना हुआ, 80 + 120 200 + 160 360। अब यहाँ तो थी तीन भुजाओं वाली आकृति, अगर आप चार भुजाओं वाली आकृति ले, पांच भुजाओं वाली ले, छह भुजाओं वाली ले, आप चाहे 500 भुजाओं की आकृति लेकर के बैठ जाएं, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा यही रहने वाला है जो तीन भुजाओं के लिए रहा है, यानी कि बाह्य कोणों का योग के लिए कोई फार्मूला नहीं है, वो हमेशा हर एक बहुभुज के लिए सेम रहता है। और वो कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर रहता है, इतनी सी बात है, नॉर्मल सी बात है। अंतिम बात और जान लेते हैं बहुभुजों के बारे में, और वो है नंबर ऑफ डायगोनल्स। स्पेलिंग लेकर के कोई कमेंट मत करना भाई, ठीक है, मैं मैथ पढ़ाने आया हूं। विकर्णों की संख्या, पहले तो आप एक बार ढंग से ये देख लेना कि विकर्ण किसको कहते हैं, उसके बाद में हम इस प्रॉपर्टी पर मूव करेंगे।
जैसे यहाँ पर मैंने चार भुजाओं की कोई भी आकृति ले ली और मैंने इनको पॉइंट्स का नाम दिया ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर ए से बी जो रेखा खींची गई है ये इसकी भुजा है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, यहाँ चार भुजाओं की आकृति, बी सी सी डी डी ए चारों भुजाएं। विकर्ण किसको कहते हैं? विकर्ण उसको कहते हैं जो किसी बहुभुज के कॉर्नर पॉइंट्स को मिलाने का काम करता हो तथा भुजा के ऊपर से ना जा करके उस आकृति में क्लोज एंडेड होने का काम करता हो, यानी कि वो आकृति के अंदर बंद जाने का काम करता हो। जैसे कि कॉर्नर पॉइंट कौन है इस आकृति के लिए, ए बी है, बी बी है, सी बी है, डी बी है। अब मैंने कहा कि कॉर्नर पॉइंट को मिलाने वाला विकर्ण होगा, तो ए से बी को मिला दिया, पर ये विकर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज एंडेड नहीं है। क्लोज का मतलब हो गया कि ये बंधा हुआ नहीं है, इसको बाहर से छुआ जा सकता है। इसमें विकर्ण कौन बनेगा? आपको भी पता है कि डी से बी एक रेखा, एक विकर्ण बनेगी। क्यों है ये क्लोज एंडेड? इसने कॉर्नर पॉइंट्स को मिलाया है, पहली प्रॉपर्टी फिट बैठ गई। इसको अगर आप यहां से छूना चाहें तो डी सी आ जाएगा बीच में, यहां से छूना चाहे तो बी सी आ जाएगा बीच में, यहां से छूना चाहे तो ए बी बीच में आ जाएगा, यहां से छूना चाहे तो ए डी बीच में आ जाएगा, यानी कि ये क्लोज है डी बी। अब डी बी क्लोज एंडेड कॉर्नर को पॉइंट मिला, कॉर्नर पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा है, इसलिए डी बी ही विकर्ण होने का दर्जा यहां से प्राप्त करेगी, न कि ए बी बी सी सी डी या डी ए। क्लियर है? अगली बात, एक और विकर्ण खींचा जा सकता है ए सी। तो मैं कह सकता हूं एक ऐसी आकृति जिसके पास में भुजाओं की संख्या चार थी और विकर्णों की संख्या कितनी निकल करके आई? दो। अगर मैं एक ऐसी आकृति ले लेता हूं जिसके पास में पांच भुजाएं हों, ये पॉइंट है ए बी सी डी और ई, कितने विकर्ण होंगे? तो याद रहे मैंने जो अभी बताया था वो बात आप अप्लाई कर दें, कॉर्नर पॉइंट को मिलाए और क्लोज एंडेड हो, ए सी विकर्ण है। ए से डी क्लोज एंडेड है, कॉर्नर पॉइंट को मिलाया है दो, बी ई तीन, बी डी चार, ई सी पाँच। तो मैं कह सकता हूँ भुजाओं की संख्या जहाँ पाँच थी वहाँ विकर्णों की संख्या भी कितनी निकल करके आई है? पाँच। त्रिभुज ले लेता हूँ मैं, ये पॉइंट था ए, ये बी और ये सी, यहाँ विकर्णों की संख्या कितनी होगी? याद रहे यहाँ विकर्णों की संख्या जीरो के बराबर हो जाएगी। क्यों? अगर किसी को लग रहा है ए बी कोई विकर्ण है तो कॉर्नर पॉइंट को मिलाया, पर ये तो भुजा है, ए सी भी भुजा है, बी सी भी भुजा। अगर किसी को लग रहा हो कि ये एक विकर्ण है तो मेरे को ये बताएं, चलो ये पॉइंट मैंने सपोज कर लिया डी है, पर क्या डी इसका कोई कॉर्नर पॉइंट है? नहीं है, तो ये विकर्ण कैसे हो गया? पहली प्रॉपर्टी फ्लॉप हो गई इसकी, यानी कि ए डी कोई विकर्ण नहीं है, तो ए डी हट जाएगा। तो विकर्णों की संख्या कितनी हुई? एक भी नहीं, या यूं कह सकते हैं शून्य। अब अगर अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक बहुभुज है जिसके अंदर पाँच भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या पाँच काउंट कर सकते हैं, अब कल को बोल दे दस भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या रहेगी, तो ऐसे काउंट करना तो अली फैला हो जाएगा अपने साथ में, ऐसा नहीं करेंगे। तो करना क्या चाहिए? एक फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, और वो फार्मूला कैसे काम करता है, मैं इस त्रिभुज को यहां से हटा रहा हूं, एन इंटू एन नेगेटिव थ्री डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ एक त्रिभुज लिया था और इस त्रिभुज के साथ पास में भुजाएं थी तीन और विकर्णों की संख्या कितनी हो गई थी? शून्य, यानी कि एक भी नहीं। यहां से स्टार्ट करता हूं इस काम को, n की वैल्यू फिर से वही है जो मैंने यहां बताया था, नंबर ऑफ इंटरनल एंगल्स कहें या नंबर ऑफ साइड्स कहें, तो भुजाओं की संख्या गुणा में भुजाओं की संख्या में से तीन घटा दें, दो से भाग कर दें, आंसर मिल जाएगा। जैसे कि इस आकृति के लिए एन की वैल्यू कितनी हुई? जवाब होगा चार भुजाएं, चार गुणा में चार में से तीन गया एक, चार गुणा में एक चार, बटे में दो, चार कट गया दो से दो, पर विकर्णों की संख्या दो होगी, फिट एंड फाइन एकदम। अगला, यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी है? पाँच, पाँच के लिए विकर्ण पाँच आने चाहिए, फार्मूला अप्लाई लगा करके देखते हैं, पाँच गुणा पाँच में से तीन गया दो, पाँच गुणा में दो दस, या दो से दो काट दे तो भी बन जाएगा पाँच, दस को दो से काटेंगे तो भी पाँच, विकर्णों की संख्या पाँच। यहाँ देखें एन की वैल्यू तीन हो गई, तीन गुणा तीन में से तीन नेगेटिव, शून्य, शून्य गुणा में एनीथिंग विल बी जीरो, डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी जीरो, तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी? जीरो। जैसे कि कल को अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक आकृति है, एक बहुभुज है जिसके पास में भुजाओं की संख्या 20 के बराबर है, एक बहुभुज जिसके पास में 20 भुजाएं हैं और आपसे पूछा जाए इसके विकर्णों की संख्या कितने के बराबर होगी, नंबर ऑफ डायगनल्स कितने होंगे इसमें, तो एन की वैल्यू 20 हो गई, एन की जगह 20 रख दिया, गुणा में 20 में से तीन घटा दें 17 बच गया, बटे में दो कर दें, ये दो से दो कट गया,
ये जीरो नहीं बना, याद रहे ये 10 बन गया। ठीक है, 10 गुणा में 17 कितना हो जाएगा, 170, 170 विकर्णों की संख्या होगी उसमें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 170 अगर विकर्णों की संख्या हो तो उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो फिर आप हिट एंड ट्रायल लगा करके ये फार्मूला चार बार अप्लाई करेंगे चारों ऑप्शन पे, जब तक कि दिए गए डायगोनल की संख्या आपके दिए गए क्वेश्चन की संख्या के साथ मैच ना कर जाए, सेम आ जाए तो वही क्वेश्चन का आंसर है, उससे आगे फिर चेकआउट नहीं करेंगे, मैक्सिमम चार बार ही लगाना पड़ेगा। तो ये हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, ऐसा वाइस एंड वर्सा कह सकते हो। तो ये था दोस्तों अपना टॉपिक पॉलीगन, और सारे के सारे पॉइंट नोट डाउन कर लेना, बाकी और वीडियोस भी अपनी आती रहेंगी, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लेना, बाकी के वीडियोस के भी लिंक आपको मिल जाएंगे। रब खैर करे, जय हिंद जय भारत।